हेलो फ्रेंड्स, सोना किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहे, बहुत ही आसान से तरीके से, जो कि बहुत ही पसंद आएंगे बच्चों को। तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं ये पोहे। इस तरीके से बनाइए, चलो शुरू करते हैं हम बनाना। ये हमने पोहे लिए हैं, 250 ग्राम के करीब पोहे हैं ये मोटे वाले हैं। इनको अच्छे से हम पानी से वॉश कर लेंगे, 2 से 3 पानी में। ये देखिए, हमने इसे 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। जब तक वॉश करना है, जब तक इसका पानी एकदम साफ साफ ना हो जाए। फिर इसमें 1 चम्मच हम चीनी ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक। इसको अच्छे से मिक्स करके हम अच्छे से पूरे मिला के हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। इसका पानी अच्छे से हम निकाल लेंगे सारा। इसको 10 मिनट रेस्ट पे रखेंगे, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। इधर हम पीनट्स को फ्राई कर लेंगे। ये हमने 50 ग्राम के करीब पीनट्स लिए हैं। इनको हम एकदम लो फ्लेम पे ही इसको हम रोस्ट करेंगे, चलाते हुए धीरे धीरे। देखिए, इसका हल्का हल्का कलर चेंज होने लग गया है। 2 से 3 मिनट में इसका अच्छे से ये चेंज हो जाएगा कलर। ये देखिए, अच्छे से पक गए थे, इसको हमने निकाल लिया है। अब उसी तेल में हम राई डालेंगे, थोड़ा सा जीरा। इसको 1 मिनट पकाएंगे ताकि ये अच्छे से चटकने लग जाए। फिर इसमें डालेंगे हम 1 हरी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। ये हमने थोड़ी सी हल्दी डाली है, इसको भी मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इसमें लो ही रखना है, हाई नहीं करना है, ना ही मीडियम, एकदम लो फ्लेम पे ही इसे हम बनाएंगे ताकि कुछ भी जले ना। ये 1 मिर्च डाल के हम इसमें पोहे डाल दिए हैं, इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। इसी तरीके से चलाते हुए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है, अच्छा सा कलर आ चुका है इसमें हल्दी का भी। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें नींबू का रस, जिससे अच्छा सा खट्टा मीठा टेस्ट आए, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। इस तरीके से बनाइए, बहुत ही आसान है बनाना भी। और जो हमने पीनट्स को फ्राई किया था, इनको भी हम कर लेंगे मिक्स। गैस को कर देंगे बंद हम। अब इसको हम अच्छे से इसी तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। देखिए, कितने अच्छे से हमारे पोहे बनके तैयार हैं। चलिए, करते हैं हम इसे सर्व। हम इसे प्लेट में सर्व करते हैं इस तरीके से। देखिए, कितने खिले खिले बने हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी। इस तरीके से बनाइए, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। एक बार बनाएंगे तो बच्चे बार बार मांग के इसी तरीके से खाएंगे आपसे, और बार बार बनाने की ज़िद करेंगे। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।